पर ये जो माहौल है ये जरूर हमारे मन में है, कोई बोलेगा नहीं हमारे इंडस्ट्रियल फ्रेंड आई से दैट ओपनली, पर सम बेटर रिप्लाइज विल हैव टू कम, नॉट ओनली अ डिनायल। यूपीए 2 में तो हम किसी को भी गाली दे सकते थे, अलग बात, आप अच्छा काम कर रहे हैं उसके बाद भी हम आपको क्रिटिसाइज ओपनली करें, कॉन्फिडेंस नहीं है कि यू विल अप्रिशिएट दैट। आज कोई भी वहां पर जो है किसी को भी देशभक्त बोलते हैं जिन्होंने गांधी जी को शूट किया, या तो कोई डाउट है उसमें, आई डोंट नो। पहले से बोले थे, टिकट भी दिया, जीत गई वो तो ठीक है, वो आपके सपोर्ट से ही जीती है। प्रधानमंत्री बोले थे कि फॉरगिव करने में मेरे को बड़ी मुश्किल होगी, उसके बाद भी कंसल्टेटिव कमेटी लाए। मुझे लगता है कि आपके पूछने के बाद कोई नहीं मानता होगा कि कोई डरता है। जैसे ही साध्वी प्रज्ञा जी का निवेदन आया, तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, पार्टी अध्यक्ष नाते मैंने, और पार्लियामेंट में उस दिन में था नहीं, राजनाथ सिंह जी ने इसकी निंदा भी करी है, उन पर स्टेप्स भी लिए हैं, और बाद में उन्होंने पार्लियामेंट के सामने माफी भी मांगी है। नरेंद्र मोदी जी पर, हमारी सरकार पर ढेर सारे अखबारों ने बहुत कुछ लिखा है, ढेर सारे आर्टिकल्स लिखने वाले भाइयों ने, बहनों ने भी बहुत सारा लिखा है, और आज भी धड़ल्ले से लिख रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी के खिलाफ लिखा गया है तो हम लोगों के खिलाफ लिखा गया है। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं, ना कोई डराना चाहता है, ना कुछ ऐसा करा है जिसके खिलाफ कोई बोले तो सरकार को चिंता है। चीज है जो मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, पर हंस रहे हैं लोग, चढ़ बैठे सूली पर, थैंक यू।